नवभारत टाइम्स के सभी पाठकों और दर्शकों को मेरा यानी नवीन का नमस्कार। दोस्तों, आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने अपने हाथों में, गले में या पैरों में काला धागा बांधा होगा। ऐसे में आपके मन में भी जिज्ञासा उठी होगी कि आखिर ऐसा क्यों है, लोग काला धागा आखिर बांधते क्यों है। वैसे तो काले रंग को शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है, लेकिन पैरों पर काला धागा बांधने के कुछ ऐसे फायदे हैं जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैरों पर आखिर काला धागा क्यों बांधा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में काले धागे को शनिदेव से संबंधित माना जाता है, इसलिए काला धागा बांधने से शनि देव के बुरे प्रभावों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह राहु और केतु के बुरे प्रभावों को भी कम कर देता है। जिन लोगों को बार बार नजर लगती है उन्हें भी काला धागा पहनने की सलाह दी जाती है। काला धागा पहनने से नजर नहीं लगती है। इसके साथ ही काला धागा व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को भी दूर करने में सहायक होता है। विज्ञान की माने तो काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए यह ऊर्जा को संचित करने में कामयाब रहता है। हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं और इन तत्वों का असंतुलन व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है। वहीं यदि आप काला धागा पहनते हैं तो यह शरीर में ऊर्जा को बनाए रखता है, इससे शरीर असंतुलित नहीं होता। काले धागे को पैरों पर पहनने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। जिन लोगों को पैरों में दर्द की शिकायत होती है उन्हें भी काला धागा पहनने से लाभ मिल सकता है। यदि आप जीवन की नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन काला धागा अपने पैरों में बांध सकते हैं। आप यदि शनिदेव की पूजा में इस्तेमाल हुए काले धागे को शनिवार या रविवार के दिन हाथ की कलाई में धारण करते हैं तो इससे आपको कभी नजर नहीं लगती। हालांकि इसे धारण करने के बाद शनिदेव के मंत्र ओम शम शनश्चरये नमः का 21 बार जप अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। वहीं पैरों पर शनिवार के दिन काला धागा बांधने से तबीयत बार बार खराब नहीं होती और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बनी रहती है। काला धागा बांधने के बाद निरंतर रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्धे महादेवाय धी तन्नो रुद्रा प्रचोदयात का जप करना चाहिए। काले धागे को यूं तो शनिवार के दिन ही धारण किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मंगलवार को इसे धारण करने की सलाह भी देते हैं। काला धागा पहनने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। यदि आप चाहें तो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के बाद काले धागे को हनुमान जी के पैरों से छुआ कर भी धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स.com। नमस्कार।